हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चावल के आटे की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए फटाफट से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हम 1 कप जितना पानी ऐड करेंगे, जितना देसी घी। इसी के साथ इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना चावल का आटा। जिस कप से यहाँ पर मैंने पानी लिया था, उसी कप से हमें यहाँ पर चावल का आटा भी लेना है। और आप देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, तो हम इसमें चावल के आटे को ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर चावल के आटे को ऐड कर दिया है। अब हम इसको एक कलछी लेंगे और उससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये सूख ना जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो चावल का आटा ऐड किया था वो डो के फॉर्म में आ चुका है। तो हम अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये देखिए, डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर जो डो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इस डो को हाथों से मसल मसल कर और भी ज़्यादा सॉफ्ट कर लेंगे जब तक ये एकदम डो के फॉर्म में ना आ जाए। और ये देखिए, ये डो के फॉर्म में आ चुका है। तो हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। थोड़ा सा हाथों में हम घी अप्लाई करेंगे और थोड़े थोड़े मिक्सचर को लेते जाएंगे और इसका छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पर हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इस डो को हमें ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, ये हल्का गर्म ही रहना चाहिए, वरना इसकी बॉल्स जो है वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बॉल्स बनाकर रेडी कर ली है। बाकी की बची हुई डो का भी इसी तरह हम बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने सारी बॉल्स बनाकर रेडी भी कर ली है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही रख दिया था पानी गर्म होने के लिए और यहाँ पर पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो हम जो है बॉल्स बनाकर रेडी किए थे उसको हम स्टीम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस थाली का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई सा भी प्लेट ले सकते हैं और कटोरी कढ़ाई में रखकर उसके ऊपर प्लेट रखकर उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। और जब तक ये स्टीम हो रहा है, चलिए हम यहाँ पर गैस पर पैन चढ़ा लेते हैं और चटनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल डाला हुआ है। 1 टेबल स्पून जितना चना दाल डालेंगे, इसी के साथ 1 टेबल स्पून जितना हम इसमें ऐड करेंगे उड़द दाल, और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, जो यहाँ पर दाल है वो हल्की सी भुन चुकी है। तो इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ लंबे साइज़ में प्याज, और इसी के साथ लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे 6-7। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। इस चटनी की खास बात यह है कि आप इसको 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और आपका मन करे जब इसे खा सकते हैं। आप इसे डोसे के साथ भी खा सकते हैं, इडली के साथ भी खा सकते हैं, या फिर अप्पे के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो प्याज और ये सारी चीज़ें हैं वो हल्की सी भुन चुकी हैं। तो इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं। इन सारी चीज़ों के साथ हम टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, जो सारी चीज़ें हैं वो हल्के हल्के भून चुकी हैं। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी है और इसको भी हम लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर भून लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, फाइनली जो चीज़ें हैं वो अच्छे से भून चुकी हैं। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप जितना पानी और इसको मिक्स कर लेंगे। तब तक हमें यहाँ पर मिक्स करना है कि जब तक ये सारा पानी एब्जॉर्ब ना कर लें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून जितना नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नमक ले सकते हैं। यहाँ पर नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर जो पानी है वो सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब हम गैस फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको कर लेंगे ठंडा। जब तक ये ठंडा हो रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारी बॉल्स है वो अच्छे से स्टीम हुई है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉल्स है वो अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं। हाथों में बिल्कुल भी टच करने पर लग भी नहीं रहा, तो आप समझ जाइए कि अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो हम इसको भी रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए।
जब तक ये ठंडा हो रहा है चलिए चेक कर लेते हैं जो चटनी के लिए हमने मिक्सचर तैयार किया था वो ठंडा हुआ कि नहीं। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, तो हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे जार में। तो ये देखिए मैंने सारे मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लिया है जार में। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसी के साथ हम इसमें इमली ऐड करेंगे। यहाँ पर आप इसकी जगह पर नींबू ले सकते हैं या फिर आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम ऐड कर देंगे और इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैंने फ़ाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए चटनी के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने तड़का पैन गैस पर रख दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून जितना ऑयल, इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितना मस्टर्ड सीड्स यहाँ पर मैंने लिया है, और ये क्रैकल हो जाए अच्छे से। तो इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे करी लीव्स। तो ये देखिए यहाँ पर जो मस्टर्ड सीड्स है वो अच्छे से क्रैकल हो चुका है। तो मैंने गैस फ्लेम को कर दिया है बंद। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया करी पत्ता, और यहाँ पर ये तड़का रेडी है। तो इसको हम चटनी के ऊपर डाल देंगे और इसको स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर रेडी है। वापस से हम गैस पर पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि अब हम इसमें फ्राई करेंगे बॉल्स को। तो ये देखिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जितना मस्टर्ड सीड्स ऐड कर दिया, और ये मैंने तिल लिया हुआ है जो नॉर्मली घर में रहता है, और ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून जितना जीरा। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्रैकल कर लेंगे, और ये देखिए जो सारी चीज़ें वो अच्छे से क्रैकल हो चुकी हैं। तो हम इसमें ऐड कर देंगे करी पत्ता और इसको भी अच्छे से भून लेंगे, और इसी के साथ हम इसमें 2 लाल सूखे मिर्च ऐड करेंगे और इसको भी भून लेंगे। और ये मैंने लिया हुआ है सांभर मसाला, इसकी जगह पर आप मैगी मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम 1 टेबल स्पून जितना ऐड करेंगे और भून लेंगे। तो ये देखिए फाइनली यहाँ पर मसाला बनकर रेडी है। तो अब हम इसमें जो स्टीम किए थे बॉल्स को उसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और लगातार चलाते हुए हल्का सा ब्राउन होने तक इसे अच्छे से भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1/2 टीस्पून जितना या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बॉल्स में नमक ऐड किया तो इस वजह से मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया। तो ये देखिए यहाँ पर जो बॉल्स है वो ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया, और यहाँ पर बहुत ही टेस्टी चावल के आटे का नाश्ता बनकर रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करिए इस नाश्ते की रेसिपी को। और यहाँ पर मैंने इसको सर्व किया है लाल चटनी और कोकोनट की चटनी के साथ। आप चाहें तो टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।